करनाल के घरोना जेडी रोड की सर्विस लेन पर एक बाइक सवार युवक की पिकअप गाड़ी के साथ टक्कर होने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जी हां, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी अनुसार घरोंडा में गुरुवार को शाम के समय लगभग 20 वर्षीय एक युवक बाइक पर सवार होकर पानीपत से करनाल की तरफ अपने अलीपुर खालसा गांव से घरोंडा शहर की तरफ आ रहा था कि तभी उसके विपरीत आती हुई एक बोलेरो पिकअप के साथ जोरदार टक्कर हो गई। जी हां, टक्कर लगने के बाद चालक का सिर सीधा जमीन से टकराने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं एक थ्री व्हीलर टकरा गया और पलट गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। जी हां, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस थाने में पहुंची और मौके पर ही जांच अधिकारी रोहताश ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को एम्बुलेंस में करनाल रेफर कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि मृतक का नाम राहुल पुत्र संजय निवासी गांव अलीपुर खालसा का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष की बताई जा रही है। ये उधर से गाड़ी थी ना, बोलेरो पिकअप रॉन्ग साइड उधर से आ रही थी। ये लड़का उधर से था बाइक पर, तो अचानक एकदम चार उसके साथ लड़के का क्या नाम है इसका, वो बताया डेढ़ लाख है जिसने गांव में सारे, इसके बाप का नाम बबला, वैसे संजय उसका नाम बबला का नाम है, पन्ने का पुत्र जी, लमसम 17-18 साल का लड़का है। पुलिस वाले मौके पे पहुंच गए थे। हाँ हाँ, मौके पे पुलिस भी पहुंच गई थी, पीसीआर भी पहुंच गई थी। अच्छा, आपने सूचना दे दी है। हाँ, हमने बोल दिया था, सब कुछ मौके पे पहुंच गए थे। नाम है जिसका, बाइक पे आ रहा था, आगे सामने से गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, एक्सीडेंट होया और मौके पे आगे बाकी कार्रवाई कर रहे आगे, जैसे सूचना मिलेगी, जैसे बयान हासिल होएंगे उससे कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।